थर्मोडायनेमिक्स में हमारा एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसको हिंदी में कहा जाता है। समझेंगे यहां पे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं। ठीक, चलिए पहले समझिए कि आपके पास में ये देखिए, ये आपके पास में कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, ये क्या है आपका सब्सटेंस है, सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की क्वांटिटी कितना, 1 ग्राम। ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस की यहां पे क्वांटिटी कितना है, 1 ग्राम है। समझ में आ गया, बातें को मेरा ध्यान से सुनेगी कि पदार्थ की यहां पे क्वांटिटी आपका 1 ग्राम है। अब इस 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। क्या मेरा बात समझ पाई तुम लोग, लिख दिए द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ पाई बात, 1 ग्राम पदार्थ को 1 ग्राम मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी वही हीट आपका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। समझ पाई बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। चलिए हो गया, ये 1 ग्राम आपका क्या था, सब्सटेंस, इसका टेम्परेचर को आपने कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस, और ये कब बढ़ा, जब आप इधर से क्या दिए, हीट दिए, तो यही हीट आपका क्या कहलाया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाया। क्लियर हुई बात यहां पे, डेफिनेशन दोनों का हमारा सेम है। वहां पे आपने पदार्थ कितना लिया था, 1 ग्राम, यहां पे पदार्थ कितना लेंगे, 1 मोल। क्या बात समझ में आया, कि 1 मोल पदार्थ में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलार हीट कैपेसिटी कहेंगे। समझ में आया, अब मोल का मतलब समझ में आता होगा, 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर, तो उतनी पदार्थ में कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी उस हीट को क्या कहा जाता है, मोलार हीट कैपेसिटी कहा जाता है। समझ में आ गया, चलिए इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक, चलिए यहां पे आपने पदार्थ रखा, ये आपका क्या है, सब्सटेंस है। ठीक, ये सब्सटेंस की मात्रा कितना है, 1 मोल है, समझेगी। अब इसकी न्यू मतलब अभी टेम्परेचर की बात करें तो मान के चलिए कि इसकी टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर को हमको कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस करना है। किसका टेम्परेचर को, सब्सटेंस, और सब्सटेंस यहां पे कितना है, 1 मोल। तो इसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे इसका टेम्परेचर को, यहां पे क्या देंगे हम, हीट देंगे। तो कितना हीट देंगे, जितना भी हीट देंगे
उसी हीट को क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। कितना, एक मोल पदार्थ में जितना हीट हम दिए वही हीट क्या कहलाया, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाया। बात समझ में आती है, तो लिख दीजिए क्या लिखेंगे, जो आपने पहले डेफिनेशन लिखा था, द हीट रिक्वायर्ड फॉर हीट कैपेसिटी, क्लियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपेसिटी के लिए सी, मोलर के लिए हो गया। देयरफॉर मैथमेटिकली सीएम का क्या मतलब, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा मेरा बात, इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाय नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ गया, ऊपर में ग्राम लिए थे, यहां पे क्या लिए, एक मोल लिए। क्लियर, चलिए ध्यान से समझिएगा, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सी एम इक्वल टू, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू, यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आपने क्या रिप्रेजेंट किया था, वहां पे सी रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहां पे चलिए हम एक बार लिख देते हैं, सी बाय एन, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है क्या बढ़ाए, आप किसको चेंज किए, टेम्परेचर को चेंज किए, इसलिए यहां पे क्या लिखे हम, डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। समझ पाई ना, इसका टेम्परेचर पहले क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस हमने एज्यूम करके रखा था, तो इसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, बदल दिया, कितना बदला, 1 डिग्री सेल्सियस बदल दिया। समझ में आ गया, और उस टेम्परेचर को बदलने के लिए आपको जितने हीट रिक्वायर्ड हुई वही हीट क्या कहलाया, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाया। समझ में आया, चलिए और यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, सी इक्वल टू क्यू, क्यू भी हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी ही है, हीट एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, या एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू से। अगर C किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हुआ, तो सी एम इक्वल टू क्यू बाय ए इंटू डेल्टा टी होगा। समझ में आ गया, और N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या जानती है, जल्दी बता दीजिए, W बाय M, मास बाय मोलर मास, नहीं पढ़ के रखी है, पढ़े हैं। एन इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। अगर एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम हुआ, तो बताइए सी एम इक्वल टू क्यू बाय एन, एन के जगह में क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी। ये अब थर्ड टर्म बढ़ा हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, Q इंटू एम बाई डब्ल्यू इंटू डेल्टा T मिलेगा। बात पकड़ में आया, yes, sir. अब पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, Q इंटू एम बाई डब्ल्यू इंटू डेल्टा T। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलिए आगे बढ़े हम लोग, फोर
वन मोल। हमने जो पदार्थ लिया वो कितना है? वन मोल है, मतलब एम कितना है? वन मोल। समझ पा रहे हैं बात? हमने वहां पे पदार्थ लेके रखा है, उसकी क्वांटिटी कितना? वन मोल है। अगर पदार्थ की मात्रा वन मोल है तो आप यहाँ पे एक रिलेशन निकाल के लाए थे, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम फॉर वन मोल, मतलब एम के जगह में कितना? वन मोल। समझ पा रहे हैं? इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जल्दी बोलिए। W इज इक्वल टू एम, ये मिलेगा इसके लिए फोर वन मोल के लिए। अगर एक मोल के लिए W इज इक्वल टू क्या मिला? एम मिला, तब सी एम इक्वल टू क्यू इन टू एम, ध्यान से समझिएगा, बाई W के जगह में भी आप M लिख सकते हैं। क्या नहीं समझ में आया? W किसके बराबर हो गया? M के बराबर। तो W की जगह में क्या लिखेंगे? M into delta T, M से M cancel, तो आपको मिला क्या? C M equal to Q by delta T। बात समझ में आती है ना? अगर यहीं पे हम क्वांटिटी को टू मोल कर देंगे तो वो उसके बराबर नहीं होगा। समझ पा रही है बात? डाउट है किसी को? अब थोड़ी सी और जानकारी यहां पे हम लोग लेते हैं। आपने पहले कौन सा टॉपिक पढ़ के रखा था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहां पे वो किसके ऊपर निर्भर करता था? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। और यहां पे क्या बोल रहा है? ये 1 मोल। समझ में आया कितना? 1 मोल। तो समझिएगा कि आपने जो पहले पढ़ के रखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहां पे आपका सब्सटेंस कितना था? 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब कि 1 ग्राम सब्सटेंस में आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना था? 1 डिग्री। और उस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता हुई उसी को क्या कहा गया था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा गया था। समझ में आए बात? अब यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है? मोलार हीट कैपेसिटी। इसको हम फोर्थ फॉर्म लिख देते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी। इसमें सब्सटेंस आपका कितना लिया गया? 1 मोल लिया गया। समझ में आ गया? 1 मोल लिया गया। तो 1 मोल लिया गया का क्या मतलब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं? मान के चलिए कि 1 मोल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या उठा दें? H2O उठा देते हैं, ठीक। अब H2O अभी कितना है हमारा? 1 मोल है। तो इसकी जो वैल्यू होता है वो आपको पता होगा, 18 ग्राम। मतलब हर एक पदार्थ के लिए, एक हर सब्सटेंस के लिए उसका मोलार हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा। क्या बात समझ आया मेरा? इसके लिए केवल 1 ग्राम के लिए था, जबकि ये 1 मोल के लिए। तो हमने यहां एग्जाम्पल के तौर पे क्या उठाया? H2O। तो वाटर का H2O कितना ग्राम? 18 ग्राम। अगर हम यही इसी के जगह पे दूसरा चीज उठा लेते हैं, मान के चलिए सोडियम उठा लेते हैं, समझ पा रहे हैं? तो उसका 1 मोल का कितना? 23 ग्राम होगा। फिर उसका क्वांटिटी क्या हो गया? बदला? नहीं बदला। समझ पा रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे? मोलार हीट कैपेसिटी हमारा अलग अलग सब्सटेंस पे क्या करता है? निर्भर करता है कि उस सब्सटेंस जो हमने लेके रखा है उसका मास कितना है। जैसे कि पानी का 18 हुआ, आप पानी की जगह पे, ये पदार्थ की जगह में आप क्या लेते हैं? 1 मोल सोडियम लेते हैं, तो आपको 18 ग्राम की जगह में क्या दिखाई देता? 23 ग्राम। समझ में आ गया? लेकिन पहले वाला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो केवल हमारा 1 ही ग्राम था, चाहे पानी लेते, चाहे सोडियम लेते, चाहे कुछ भी चीज लेते, वो कितना लेते हम? 1 ग्राम ही लेते। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? 1 मोल ले रहे हैं। तो 1 मोल किसके ऊपर निर्भर करेगा? हमारा पदार्थ के ऊपर निर्भर करेगा कि हम किस पदार्थ को ले रहे हैं।
पानी को लिए तो 18 ग्राम निकला, सोडियम को लेंगे तो 23 ग्राम निकलेगा। तो ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग हमारा क्या होगा, मोलार हीट कैपेसिटी होगा। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई भी पदार्थ को हम कितना लेंगे, 1 ग्राम ही लेंगे। बात समझ में आती है? ये देखिए ये वाटर, और मान के चलिए इसी का हम एग्जांपल लिए, किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर को भी हमको कितना लेना होगा, 1 ही ग्राम लेना होगा। जबकि हम वाटर को कितना लिए, 1 मोल, तो उसका वैल्यू हमारा 18 ग्राम आया। अगर हम यहाँ पे सोडियम को लेते तब भी हम कितना लेते, 1 ग्राम लेते, लेकिन यहाँ पे अगर हम सोडियम 1 मोल लेंगे तो वो 23 ग्राम हो जाएगा। समझ पाई बात? टाइप ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी का प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी, कितनी प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला होता है, फर्स्ट नंबर हीट कैपेसिटी एट, फर्स्ट नंबर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, पहला प्रकार को इसके नाम से जानेंगे, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ गया कि जब भी हम क्या करेंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर को पदार्थ में क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे, किस केस में कराएंगे, उसका वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखकर। समझ में आ गया, उसका वॉल्यूम को क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे, और उस पदार्थ में हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कहा जाएगा। आपको वहां पे वॉल्यूम को क्या रखना होगा, कॉन्स्टेंट रखना होगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा नंबर, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर। थोड़ी सी बातें पहला नंबर के लिए, इसके लिए ठीक। चलिए आपने पदार्थ लिया, ठीक, ये पदार्थ अभी क्या है, इस पदार्थ का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, समझे ना, इसका वॉल्यूम को हम घटाएंगे ना इसका वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, किस कंडीशन में रखेंगे, कॉन्स्टेंट, सिर्फ किसको, वॉल्यूम को। अब इसको हम लोग कितना डिग्री में राइज करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को राइज करेंगे। तो राइज कैसे होगा, जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जितना आपको हीट रिक्वायर्ड होती है, समझ में आ रहा मेरा बात, किसके लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आपका यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? दूसरी चीज सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ का प्रेशर को हमको क्या रखना होगा, कॉन्स्टेंट रखना होगा। आप यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और प्रेशर कॉन्स्टेंट करके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड हुई वही हीट आपका क्या कहलाएगा, हीट कैपेसिटी और कॉन्स्टेंट प्रेशर कहलाएगा। बस समझ में आया? हीट इज ए, हीट इज
नोट ए स्टेट फंक्शन, हीट हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है। क्या उसका अवस्था को दिखाता है? ही नहीं दिखाता है। कि वो किस अवस्था में उसको हीट दिखाता है? नहीं दिखाता है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है हीट इज ए, हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। ये उसका अवस्था फलन किसी भी पदार्थ का अवस्था फलन नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कहां पे डिपेंड करता है? इट्स डिपेंड अपॉन देयर पाथ। वो उसके पाथ पे डिपेंड करता है। लिख देंगे इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द इट्स पाथ पे निर्भर करता है। पाथ का मतलब समझ में आता है? क्या है पाथ? पाथ का सीधी मतलब बोले तो रास्ता, कि आप वहां पे किस रास्ता से क्या कर रहे हैं, हीट को भेज रहे हैं। हीट ट्रांसफर होती है या नहीं होती? तो दो तीन तरह से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं हीट को। समझ में आ गया? एक तो रेडिएशन से हमारा क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। रेडिएशन किसको कहते हैं पाथ? समझ में आता है? कि आप वहां पे आग जलाए, ठीक, अब उसका जब आप सामने आएंगे तो अगर आपके मीडियम में, आपके बीच में कोई मीडियम है? कोई भी मीडियम नहीं है। है क्या मीडियम है आपके उसके बीच में? कोई भी मीडियम नहीं है। है कोई मीडियम? तब भी वहां का हीट आपको क्या बोलेंगे, वो हीट आपको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे, विदाउट मीडियम। दूसरा आप कंडक्शन करा सकते हैं। कंडक्शन का मतलब समझ में आती है? कि आप एक कोई मेटल का रड या कोई भी मटेरियल लीजिए और उसका एक छोर को जहां पे आग जल रहा है वहां पे ठूस दीजिए, लगा दीजिए और 5 मिनट बाद में इधर पकड़िए। आप सब्जी बनाते हैं, हाँ, हीट होता है वो? नहीं होता है। सब्जी की जलाते हैं ना इसे, हाथ में चलाते हैं, खुरपी का एक भाग वहां पे क्या होता है, उसको चलाता है। मतलब वही पोर्शन केवल हीट के कांटेक्ट में है लेकिन आपके हाथ तक हीट पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? कंडक्शन के कारण। नहीं समझ में आया? आया। तो इसी तरह से हीट का जो वैल्यू है वो कहां पे डिपेंड करता है? उसकी पाथ पे डिपेंड करता है। समझ में आया? फर्स्ट नंबर देंगे हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? द हीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया होगा बात? वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख के हम क्या करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट को इंक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? It is represented by CV. V for constant volume. V का मतलब constant volume.
ठीक, और सी का मतलब हीट कैपेसिटी। ये तो पढ़ा अभी, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किससे कर दिए, सीपी से रिप्रेजेंट कर दिए। चलिए ध्यान से समझिएगा बातें कुछ। इसके अंदर पे कुछ पदार्थ रखा हुआ है, समझ में आ गया। और इस पदार्थ का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यहां पे एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं, तभी ना पता चलेगा कि इसका हमारा टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। ये क्या है आपका थर्मामीटर, थर्मामीटर तो देखे होंगे, इसी तरह से उसमें स्केल बनी होती है, समझ में आ गया। अब इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, कॉन्स्टेंट। ये वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्स्टेंट। हम यहां पे इसका क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं, इसका क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, यानी कि एन को क्या कर दें, फिक्स कर दें। कितना लिए, वन मोल लिए, फिक्स, यानी कि वॉल्यूम फिक्स हो गया, समझ पा रही है। सपोज दैट इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आप कितना बदलने वाले हैं, वन डिग्री। तो डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। कितना चेंज करेंगे टेम्परेचर को, वन डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया, तो आपको यहां पे इंडिकेट करेगा टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपने क्या लगा के रखा है, थर्मामीटर लगा के रखा है, ये थर्मामीटर है, थर्मोमीटर है। चलो बात समझ में आया यहां पे। अगर आपने यहां पे जो पदार्थ लेके रखा वो कितना है, वो कितना है, वन मोल है। अगर वन मोल है तो वन मोल के केस में मोलर मास बाय मास बराबर होता है क्या, नहीं होता, मास बाय मोलर मास, एन इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, मास डब्ल्यू बाय एम। वन ग्राम के लिए दोनों बराबर होता है, नहीं होता, होता है। मतलब इस केस में आपका W इक्वल टू एम होता है, हमने प्रूव करके दिखाया आपको। बात समझ में आया यहां पर। अब थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। सपोज मान के चलिए कि इसको हम ले लेते हैं, इसका स्टेट क्या है, गैस है, गैस पदार्थ नहीं है, क्यों नहीं है, पदार्थ किसको कहते हैं, जिस जो स्थान घेरता है और जिसमें मास है। तो यहां पे गैस स्थान नहीं घेरता है। अब मान के चलिए हम एग्जांपल के तौर पे समझा देते हैं कि आपने क्या लिया, N2 गैस लिया, नाइट्रोजन गैस लिया। तो आपने क्या पढ़ के रखा है, W इक्वल टू M इक्वल टू 28 ग्राम। नहीं समझ पाया, एक नाइट्रोजन का कितना, एक नाइट्रोजन का कितना 40। तो यहां पे आपके पास नाइट्रोजन कितना 28। तो एक मोल नाइट्रोजन अभी किसके बराबर, 28 ग्राम के बराबर हुआ, समझ में आया। ऑक्सीजन लेंगे तो 32 ग्राम के बराबर होगा, और टू लेंगे तो किसके बराबर होगा, एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो दो का कितना, तो W इक्वल टू M इक्वल टू 32 ग्राम। तो यहां पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस लेंगे, गैसेस लेंगे, तो उसका भी आपका वैल्यू अलग होगा, समझ पा रही है बात। चलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे किए हैं, सीबी से रिप्रेजेंट किए हैं। आगे देयरफॉर सीबी इक्वल टू डेल ई, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल ई का मतलब इंटरनल एनर्जी बाय डेल टी। अब टेम्परेचर को क्या किए, चेंज किए, तो उसका अंदर का एनर्जी भी क्या होगा,
नहीं होगा। समझ पा रहे ये बात को? अब यहाँ पे थोड़ी सी और बातें, ये किस केस के लिए है? ये आर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, समझ में आया? आगे ध्यान से देखिए, और सीवी इक्वल टू डेल यू लिख सकते हैं आप, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को आप ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार हमने क्या लिखा? ई, तो एक बार यू लिख देते हैं, तो डेल यू बाई डेल है, ये वैल्यू आपको मिलता है। अब ये वैल्यू कहां से मिला उसको समझेंगे, ठीक? ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए ना यहाँ पे, ये वैल्यू हमको मिलता है किसके बदले में? सीवी के बदले में। तो ये वैल्यू आया किधर से, समझ पा रहे हैं? चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम आप जानते होंगे डेल्टा ई इक्वल टू क्या जानते हैं, जल्दी बोलिए, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या पढ़ के रखे हैं कि नहीं पढ़ के रखे हैं? पढ़े हैं तब भी बोल गया 100% है, पलटिएगा तो दिखेगा वो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। याद आया कुछ नहीं, नहीं पढ़िए। और U इक्वल टू जल्दी बताइए डब्ल्यू ई माइनस डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, ये प्लस में इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? समझ में आ गया? देयरफॉर हम क्या निकाल देते हैं, वर्क, वर्क यानी कि W रिसोल्व कर देंगे यहां पे, समझिएगा पॉइंट को। वर्क यानी कि W इक्वल टू आपका होगा P इंटू डेल्टा V, P फॉर प्रेशर और डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। इसमें भी आपका क्या डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड करता है। आप इसको याद रखेंगे, इसको क्या रखेंगे? याद रखेंगे इस केस में वर्क का फॉर्मूला प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। आप प्रेशर देंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा और वही क्या कहलाएगा? काम कहलाएगा। नहीं समझ में आया? आपने किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मटेरियल पे, किसी गैस पे क्या दिए? प्रेशर दिए। प्रेशर दिए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। और उसका वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब आप वहां पे काम किए। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो काम नहीं करते। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हुआ? P इंटू डेल्टा V। प्रेशर दिए तो उसका वॉल्यूम बदल, ठीक? चलिए इसको आप याद रखेंगे, समझ में आ गया? अब आगे थोड़ी सी बातें समझिएगा। देयरफॉर डेल्टा V, यहां पे V क्या क्या है आपका? चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? एक बार फिर से, डेल्टा भी आपका क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं इस केस में क्या वॉल्यूम बदल रहा है? वॉल्यूम कैसा है यहाँ पे? कांस्टेंट है। वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, उसका क्या मतलब हो गया कि डेल्टा भी इक्वल टू जीरो। आप बात समझ में आया? तब W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V के जगह में जीरो इक्वल टू जीरो। क्लियर? इधर की बात थोड़ी सी मिटा देते हैं हम, है ना? चलिए और U इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? डेल्टा E माइनस W।
W किसके बराबर? जीरो के बराबर, जीरो। तो क्या मिला आपको? W इक्वल टू डेल्टा E मिला। हाँ, क्यू इक्वल टू डेल्टा E मिला, E मिला। ठीक, अब वी नो दैट सी एम इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप? क्यू बाय डेल्टा पी पढ़ के रखे हैं। तो एम के जगह में क्या आप भी लिख सकते हैं? बात समझ पा रहे हैं मेरा कि ये आपका क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी था। सी एम इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी आपने पढ़ के रखा है। अभी हम किस सब क्या पढ़ रहे हैं? सी भी पढ़ रहे हैं। तो सी एम के जगह में आप क्या लिखे? सी भी इक्वल टू क्यू बाई ऑल्सो डेल्टा टी होगा। दोनों एक ही चीज है, समझ आ रहा है? और सी भी इक्वल टू बताइए क्यू, ये दिखाई देता है आपको? क्यू किसके बराबर? डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, क्या यही लिखा हुआ है? नहीं, मतलब डेल्टा ई यू होता है, समझ पाई होगी बात? ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़े, डाउट है कहीं पे? चलो सेकेंड नंबर का हमारा हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, आप इसको डिफाइन कर पाएंगे? जो आपने पीछे क्या किए हैं, स्टेटमेंट लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे? द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड फॉर दी बॉडी ऑफ 1 डिग्री ना, ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, समझ में आया? कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड सीपी इक्वल कॉन्स्टेंट प्रेशर। चलो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक, यहां पे लगा हुआ है आपका पिस्टन, ये क्या लगा हुआ है? पिस्टन, ये आपका पिस्टन है। अब समझिएगा यहां पे बात को कि यहां इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atm, कितना लग रहा है? 1 atm। ठीक, इसको आप क्या करेंगे? हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे। अगर इसको हीट करते हैं तो इसका अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, प्रेशर कुकर में ही तो काम होता है कि पानी डालते हैं, पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो हीटर के अंदर का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए तो आपका दाल जल्दी गलता है, खसी मीट किसी ने उसमें पकाती है। चलिए, तो इसको हीट करेंगे तो इसका अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ने से ये पिस्टन जो लगा हुआ है उस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा, नहीं धकेलेगा?
तो इस केस में क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इस मटेरियल का क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये इतना चला जाएगा ना, इतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा और आपका पिस्टन को ऊपर क्या करेगा, ये इतना इससे धकेलेगा, 1 atm प्रेशर से धकेलेगा। क्यों 1 atm प्रेशर से धकेलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 atmospheric प्रेशर लग रहा है नीचे की ओर, वही प्रेशर से वो क्या करेगा ऊपर की ओर इस पिस्टन को ये धकेलेगा। तब जब आप उसको इसको किक दिए, तब हो गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी के पहला नियम से के अनुसार डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आप पढ़ के रखे हैं ये चीज, हो गया। और क्यू इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, ये भी आप पढ़ के रखे हैं, समझ में आया। देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू, आप और एक चीज पढ़ के रखे हैं, पी डेल्टा, क्या है पी डेल्टा ई। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन होता है कि अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं और सिस्टम पे प्रेशर दे रहे हैं तो उसका वॉल्यूम घटेगा, नहीं समझ में आया। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपका सिस्टम है, ऊपर से आप क्या दे रहे हैं प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, करेगा या नहीं करेगा, कंप्रेस करेगा, तो इसका वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, बताइए जल्दी। आपने बैलून इतना बढ़ा लिया, उस बैलून को चारों तरफ से इस तरह से क्या कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, तो वॉल्यूम बैलून की साइज घटेगा कि बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपका वर्क डन क्या होगा, काम तो हो रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब समझ में आ गया। ये पॉइंट भी हम स्पेशली आपको लिखाएं, नेगेटिव साइन इंडिकेट, हो गया। देयरफॉर देयरफॉर ध्यान दीजिए, क्यू इक्वल टू डेल्टा ई क्या साइन माइनस, ये क्या है W, ये भी क्या है W, W की जगह में माइनस E डेल्टा E, और Q इक्वल टू डेल्टा E माइनस और माइनस प्लस E डेल्टा E। डाउट है किसी को, हो गया। समझ पा रहा है बात, आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, देयरफॉर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एच वी होता है, क्या होता है ये नहीं होता है, अगर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये यू नहीं है, ये क्या है वी, इसके बराबर हुआ डेल्टा एच के बराबर हुआ, तो U इक्वल टू क्या आप डेल्टा एच लिख सकते हैं, समझ पा रही है, अरे समझ को आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू हीट कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू हीट कैपेसिटी, Cp इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा T, आप पढ़ते आ रहे हैं, Cm इक्वल टू ऑल्सो क्यू बाई डेल्टा T, Cb इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा T, तो Cp इक्वल टू ऑल्सो क्यू बाई डेल्टा T, बात समझ में आती है, Q
इधर क्या इसके बराबर डेल्टा एक्स के बराबर, तो CP इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। क्लियर? डाउट है किसी को? आपने दो चीज सीखा, पहला चीज क्या सीखे आज, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में सी बी इक्वल टू डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। किस केस में था ये? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, यहां पे भी लिखे मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दूसरा आपने क्या सीखा आज, कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी ना इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। इस केस में प्रेशर कॉन्स्टेंट में, ये आप सीख के रखे, समझ पाया? आप फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक? रिलेशन बिटवीन सीबी एंड सीपी, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? क्लास में पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आगे बढ़े हम लोग। वी नो दैट, जल्दी जल्दी बताइएगा, है ना, सी बी इक्वल टू डेल्टा डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना? जल्दी सीधी डेल्टा टी। क्लियर? याद आ रहा है कुछ? इक्वेशन नंबर सीपी इक्वल टू डेल्टा एच वाई डेल्टा टी, तो डेल्टा एच इक्वल टू हाँ सीपी डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, हो गया? चलो ध्यान से देखिएगा। फॉर वन मोल गैस, फॉर वन मोल गैस किसके लिए? वन मोल गैस के लिए। वन मोल गैस का क्या मतलब? एन इक्वल टू वन। ये बातें ऊपर की दोनों बातें आपको समझ में आया है? अब हम क्या कर रहे हैं? फोर वन मोल गैस, यानी कि एन इक्वल टू वन। तब आप ये भी जानते होंगे पी भी इक्वल टू नहीं, पी भी इक्वल टू एनआरटी। अब एन के जगह में आप कितना वैल्यू डालने वाले हैं? तो पी भी इक्वल टू आपको क्या मिला? वन आरटी का लिखेगी आरटी होना। हो गया? चलो, देयरफॉर एच इक्वल टू आप क्या जानते हैं? ई प्लस पी भी, ई प्लस एच इक्वल टू जानते हैं? एच इक्वल टू ई प्लस पी भी। आगे आइए, अगर आप एच इक्वल टू ई प्लस पी भी जानते हैं तो एच इक्वल टू ई प्लस आर टी होगा। पी भी किसके बराबर? आर टी के बराबर। तो पीबी की जगह में आप आर टी लिख सकते हैं। यस सर।
क्लियर। आर यहाँ पे क्या है, आर क्या है यहाँ, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, मतलब ये नहीं बदलेगा और बाकी सब चीज बदल सकता है। अगर ये बदला तो क्या आप एच को डेल एच लिख सकते हैं, डेल ई प्लस डेल आर, सही पकड़ते हैं, समझ में आया कि आर के आगे हम डेल्टा नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है। क्लियर, इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। थोड़ा सा अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक। पुटिंग द वैल्यू Putting the value, पहले इसको लिख लीजिए, from equation second, equation second आपको दिखाई देता है कहीं पर, क्या है ये, Cp delta T equal to delta H है, देखिए लिखा हुआ है from equation second, Cp delta T equal to delta H, डेल्टा एच, क्या आप डेल्टा एच का वैल्यू है आपके पास, इक्वेशन थ्री को देखिए, ये डेल्टा एच है, तो सी पी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच के जगह पे आप डेल्टा ई प्लस आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, समझ पा रही है, दिमाग किस लेने वाला है देखना, अभी कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक, आगे बढ़े। सी पी डेल्टा टी इक्वल टू क्या है ये, क्या वैल्यू है डेल्टा ई का, यही है डेल्टा ई, क्या है सी पी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी, इसको छोटा ही लिख दो, ठीक, आया समझ में, ये कहां कहां से यूज हुआ आप लोगों को पता है, यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगी, यहाँ पे है आपका ये डेल्टा ई, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या है आपके पास में, डेल्टा टी, यही वैल्यू पे यहाँ पे, यस, आगे ध्यान से देखिएगा, CP डेल्टा T इक्वल टू क्या यहाँ पे सही लिखे कि गलत लिखे, सही है, सही है, सी भी और प्लस क्या है R, डेल्टा T बाहर, तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक, कुछ कटेगा छटेगा, क्या क्या डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, बताइए क्या मिला आपको, सी पी इक्वल टू सी भी प्लस आर, और आर इक्वल टू सी पी माइनस सी भी, नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं मेयर रिलेशनशिप, क्या कहते हैं इसको, मेयर रिलेशनशिप, ये रिलेशन होता है दोनों में, सीपी क्या था, हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर, नहीं था सीपी क्या था, आर यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये दोनों के बीच का ये क्या हुआ आपका, रिलेशन।